दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपनी कंपनी की, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जो भी हो, उसकी आईडी आप आईएमसी में कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है आईएमसी बिजनेस का ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आईएमसी का आईडी एंड पासवर्ड, यदि आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका आईडी पासवर्ड ले सकते हैं और आप कहीं से भी अपना आईडी, फर्म का आईडी, चाहे वो पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, उसका आईडी लगा सकते हैं। तो अभी हम लॉगिन करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड, इसके बाद आपके पास आएगा पैनल और यहाँ पर जो लेफ्ट कॉर्नर है दोस्तों, ये वाला यहाँ पे आपको जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको होम ऑप्शन पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और जैसे आप करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा दोस्तों। पहला वाला जो ऑप्शन है ये है, आप कंपनी में से डायरेक्ट सेलर काम करना चाहते हैं, आप इसकी रॉयल्टी कमाना चाहते हैं, आप इनकम के तौर पर काम करना चाहते हैं, या सेकेंड आप एज ए प्रीफर्ड कस्टमर, जिसको कि केवल डिस्काउंट में प्रोडक्ट लेने हैं, दैट्स ऑल, उसको काम नहीं करना, कमाना नहीं है। तो जिनको कमाना नहीं है उनके लिए ऑप्शन ये है, जिनको कमाना है उनके लिए ऑप्शन ग्रीन वाला है। तो दोस्तों ये ऑप्शन अपन वन चूज करते हैं, वन। इसके बाद दोस्तों आपको रजिस्टर विद मोबाइल ओटीपी और विदाउट ओटीपी, दो ऑप्शन आएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है दोस्तों, आपको विद ओटीपी ही करना है। तो फिलहाल में यहाँ पे नंबर डाल देंगे अपन, जैसे नंबर डालेंगे ओटीपी जाएगा, तो हम ओटीपी का वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया ऑटो, ये अपना ओटीपी। अब ये पूछता है स्पॉन्सर आईडी, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया स्पॉन्सर आईडी। यदि आपके पास स्पॉन्सर आईडी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से ले सकते हैं या लिंक पे। तो यहाँ मैंने डाल दिया, नाम आप मैच कर लेंगे कि स्पॉन्सर आईडी और नाम मिल रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो है इंडिविजुअल यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको चुनाव करना है कि इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है या कंपनी है। तो दोस्तों ये जो फर्म है ये कंपनी है, यहाँ डाल दिया मैंने कंपनी। इसके बाद आएगा यहाँ पे, अब कंपनी जो है ना तो मिस्टर है, ना मिसेज है, ना डियर है, तो यहाँ पे आएगा एमएस, मैसर्स। तो यहाँ मैंने ये चूज कर लिया। इसके बाद ये डाल दिया मैंने और यहाँ ऑप्शन आपका आएगा सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो यहाँ आएगा केयर ऑफ। तो यहाँ मैंने डाल दिया, यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ मेरा। इसके बाद आपको डालना है पैन नंबर, तो यहाँ मैंने डाल दिया पैन नंबर। इसके बाद दोस्तों आएगा डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ ध्यान देना है यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यदि आपकी कंपनी बहुत पुरानी है तो आप कंपनी का भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, इनकॉर्पोरेशन डेट। तो यहाँ डाल दिया मैंने मेरा। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद पूछता है डू यू हैव पिन कोड, तो यहाँ पे यस, आपके पते वाला पिन कोड डालना है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद लोकेलिटी आएगा, वो मैं डाल देता हूँ, आप तो ये सारी डिटेल मैंने भर दी है। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद नॉमिनी, यहाँ अपन नॉमिनी का नाम डाल देंगे जो उसका ओनर है उसका, और यहाँ मैंने डाल दिया। इसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आएगा बैंक डिटेल भरने का, तो आपको बैंक डिटेल भरना है। आप चाहें तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, तो बाद के लिए आपको ये ऑप्शन चुनना पड़ेगा, बट मुझे अभी करना है तो मैं इसमें अभी कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने डाला तो इसके अंदर ये दिखा दिया। इसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डाल दिया और नेक्स्ट करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया दोस्तों ये आईडी जो है बन जाएगा। जैसे आईडी बनेगा तो ऊपर लिखा हुआ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और फ्रेंड आपको भी डिटेल शो होंगी कि उसका आईडी नंबर क्या है, यूज़र नंबर वगैरह। तो फ्रेंड इस तरह से जो है आईडी बनती है फर्म की, कॉरपोरेट आईडी। आप भी अपने फर्म की, चाहे वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, आप उसकी आईडी से बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस आईडी का लॉगिन आईडी भी दिया हुआ है और पासवर्ड भी आप वहां से भी बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।